पेरिस ओलंपिक क्वार्टर फाइनल चल रहा था हॉकी का, भारत और ग्रेट ब्रिटेन की टीमें आमने सामने, निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर, शूट आउट में गेम जाता है, यहां पर भारतीय टीम 3-2 से आगे, राजकुमार पाल जो है वो शूट लेने आते हैं और वो बड़ी खूबसूरती से जो है गेंद को गोल में डालते हैं और इसी के साथ भारत पहुंच जाता है पेरिस ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में। जी हाँ, ये कहानी है आज के मैच की, लेकिन ये फाइनल स्टेज की कहानी है। पूरा मुकाबला बहुत रोचक हुआ, कैसे भारतीय टीम ने एक खिलाड़ी कम होने के बाद भी ग्रेट ब्रिटेन की टीम को रोक दिया और कैसे ये बड़ी जीत हासिल की और टोक्यो ओलंपिक के बाद अब पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पेरिस ओलंपिक मेंस हॉकी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच खेला गया और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये मुकाबला एक तरह से आप एक तरफ देखें तो आपको पूरी ग्रेट ब्रिटेन की टीम और 11 खिलाड़ी दिखाई देंगे और दूसरी तरफ आपको दिखाई देंगे भारत के गोलकीपर पीआर श्रीजेश। कमाल का प्रदर्शन उनका आप अनुमान नहीं लगा सकते, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने दिया, कितने सेव किए, कभी अपने पैर से गेंद को क्लियर किया, कभी स्टिक से गेंद को क्लियर किया, तो कभी सामने टाल बनकर खड़े हो गए और गेंद को क्लियर किया, तो कितने आक्रमण हुए। भारतीय टीम एक खिलाड़ी से कम लगभग 3 क्वार्टर तक, 40 मिनट से ज्यादा वक्त अगर आप 10 खिलाड़ी पर एक खिलाड़ी कम पर खेले और सामने पूरी टीम हो तो गोल बचाना आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय टीम ने यह कर दिखाया। अगर मैच की शुरुआत से अगर हम बात करें तो पहले मिनट में अभिषेक ने मूव बनाया था लेकिन वो मूव पूरा नहीं हो सका था, 5वें मिनट तक आते आते ग्रेट ब्रिटेन को 2 बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और वहां पर अमित रोहिदास फर्स्ट रशर के रूप में चट्टान की तरह दौड़ते हुए आगे आते हैं और पूरा ब्लो अपने शरीर पर लेते हैं और उसे भारतीय टीम को गोल नहीं करने देते भारतीय टीम के खिलाफ। और यहां पर जो है इसके बाद भी अवसर आता है, पीआर श्रीजेश गेंद को बड़ी खूबसूरती से क्लियरेंस देते हैं, तो जो पहला क्वार्टर था गोल रहित बराबरी पर जरूर था लेकिन आप देखेंगे कि इसमें दोनों गोलकीपर में ज्यादा बिजी जो है वो पीआर श्रीजेश ही रहे क्योंकि भारतीय गोल पोस्ट पर अंग्रेज टीम ने कई हमले किए थे। दूसरा क्वार्टर शुरू होता है, अभी 4 मिनट ही गुजरा था कि अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखा दिया जाता है जर्मन अंपायर के द्वारा। हुआ क्या था कि इनका स्टिक अंग्रेज खिलाड़ी के चेहरे पर लगा था और हालांकि फील्ड अंपायर को उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा था लेकिन रेफरल लिया जाता है और टीवी अंपायर बताते हैं कि यह खतरनाक है, स्टिक जो है वो चेहरे पर लगी है और इस वजह से अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिला। हालांकि अगर आप देखें तो अमित रोहिदास ने जो है डेलिबरेटली ये चोट नहीं पहुंचाई थी और इसलिए जो हॉकी के जानकार हैं वो कहते हैं कि मैक्सिमम 10 मिनट का सस्पेंशन होना चाहिए था लेकिन जर्मन अंपायर ने वहां पर बहुत कड़ा फैसला लिया और वो भी क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में जिस पर कि सवाल खड़े होंगे, यहां तक कि दर्शक भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे लेकिन अंपायर का फैसला अंतिम होता है। भारतीय टीम 10 खिलाड़ी पर आ जाती है लेकिन ये जो एक गुस्सा था ना अंपायर के फैसले के खिलाफ, उसका असर 3 मिनट बाद ही दिखा जब भारतीय टीम ने आक्रमण किया और 22वें मिनट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने ग्रेट ब्रिटेन के गोल पोस्ट का तख्ता खटका दिया और भारतीय टीम 1-0 से आगे हो गई। हालांकि 4-5 मिनट के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने जो है वो बराबरी का गोल दाग दिया और यहां पर आप देखते हैं कि हाफ टाइम तक जो स्कोर है वो 1-1 की बराबरी पर था। तीसरे क्वार्टर में गेम थोड़ा स्लो होता है, आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम के लिए ये राहत की बात थी क्योंकि वो 10 खिलाड़ी पर था जबकि ग्रेट ब्रिटेन की टीम पूरे 11 खिलाड़ी के साथ खेल रही थी, लेकिन गेम स्लो होने का फायदा मिला और जब आखिरी लम्हे चल रहे थे थर्ड क्वार्टर के तो उस समय ग्रीन कार्ड सुमित को मिल जाता है भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम 10-9 पर आ जाती है, लेकिन फिर भी भारत का डिफेंस लाजवाब था, रोके रखते हैं। फिर चौथा क्वार्टर शुरू होता है, चौथे क्वार्टर में जो है वहां पर भी
अंग्रेज टीम बहुत प्रयास करती है कि वो गोल कर सके, लेकिन गोल उसे नहीं मिलता है। और भारतीय टीम की स्ट्रेटेजी एक प्लेयर डाउन होने के बाद यही थी कि मैच को टाई ब्रेकर में लेकर चला जाए, और इसलिए लेकर चला जाए क्योंकि पीआर श्रीजेश भारत के गोलकीपर हैं, और जो टाई ब्रेकर में श्रीजेश का रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है। 22 टाई ब्रेकर जो है पीआर श्रीजेश ने देखे हैं और उसमें से 12 में जीत हासिल की थी। अब ये मिलाकर 13वीं जीत जो है वो पीआर श्रीजेश ने दिलाई है। जब शूटआउट शुरू होता है तो वहां पर देखने को क्या मिलता है कि पहला गोल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की टीम कर देती है 1-0। कप्तान हरमनप्रीत आते हैं और वो इक्वलाइज कर देते हैं 1-1। फिर ग्रेट ब्रिटेन की टीम आती है, वो दूसरा गोल दागती है, 2-1 स्कोर हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में। और फिर यहां पर जो है सुखजीत आते हैं और बेहतरीन गोल करते हैं, स्कोर हो जाता है 2-2। फिर तीसरा शॉट लेने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी आते हैं, वो चूक जाते हैं, और यहां भारतीय टीम को एक बढ़त दिखने लगती है। हालांकि स्कोर अभी भी 2-2 था, अब ललित उपाध्याय के ऊपर था कि वो भारत को बढ़त दिलाएं। अनुभवी ललित उपाध्याय ने कोई गलती नहीं की और भारतीय टीम 3-2 से आगे हो गई। फिर ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से शूटआउट के लिए आया जाता है, प्रयास होता है, और एक बार फिर पीआर श्रीजेश बीच में दीवार की तरह खड़े थे, उन्होंने उस खतरे को टाला और भारतीय टीम जो है वो बढ़त पर 3-2। अब एक आखिरी शॉट था कि अगर ये शॉट राजकुमार पाल गोल में तब्दील कर देते हैं तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। राजकुमार पाल पर बहुत दबाव था, लेकिन इस दबाव के क्षणों में भी वो बिखरे नहीं, निखरे और निखर कर आए और उन्होंने वो गोल दाग दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गई, क्वालिफाई कर ली है सेमीफाइनल के लिए भारतीय हॉकी टीम ने। आप देखें कि पीआर श्रीजेश दौड़ते हुए स्टैंड के पास जाते हैं, पीटी उषा से मिलते हैं। अगर आप भारतीय कोच क्रेग फुल्टन की बात करें तो वो उसेन बोल्ट से ज्यादा स्पीड में दौड़ते हुए खिलाड़ियों की तरफ आते हैं, तो ये उत्साह था। एक खिलाड़ी कम होते हुए जिस तरह की जीत भारतीय हॉकी टीम ने अर्जित की है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि पेरिस ओलंपिक मेंस हॉकी के पहले क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पराजित कर दिया है पेनल्टी शूटआउट में, और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भारतीय हॉकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं आगे के मैचों के लिए, और आज बेमिसाल प्रदर्शन देने के लिए बहुत बहुत बधाई, आप सबको भी बहुत बधाई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।